Hello viewers, welcome back to Culture Card. So today we are going to talk about one of the exquisite cities located in Canada and what is its history as well as how did it become a World Heritage Site. We will discuss it all. So stay tuned till the end. And video start करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. So let's get started. Now talking about Lunenburg, तो ये एक पोर्ट टाउन है ऑन द साउथ शोर ऑफ नोवा स्कोटिया विच इज लोकेटेड इन कनाडा और इसे 1753 में फाउंड किया गया था. ये टाउन है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू सेटल प्रोटेस्टेंट्स इन नोवा स्कोटिया. नाउ इसकी जो इकोनॉमी है ये ट्रेडिशनली बेस्ड थी ऑन द ऑफ शोर फिशरी एंड टूडे लनेनबर्ग इज साइट ऑफ कैनेडाज लार्जेस्ट सेकेंडरी फिश प्रोसेसिंग प्लांट. और बात करें तो ये जो टाउन है इसने फ्लरिश करना स्टार्ट कर दिया था इन द लेट 1800s और हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है यहाँ का वो उसी टाइम का था. नाउ 1995 में इसे यूनेस्को डिजिग्नेट कर देता है एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को ये कहता है कि दिस साइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लान्ड ब्रिटिश कॉलोनियल सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एज इट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ द 1800s. और हम देखें तो ये इसमें लोकल वुडन वर्नैकुलर आर्किटेक्चर भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. नाउ यूनेस्को जो है वो कंसिडर करता है कि ये टाउन जो है दैट इज इन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन क्योंकि यहाँ के बिल्डिंग्स काफी पुरानी है लेकिन उन्हें रीमैप नहीं किया जा रहा. दैट्स वाई उन्होंने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो दैट इज एन ओनस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इन द ऑल पॉसिबल मीन्स. और हम देखें तो आज की और ट्रेडिशनल इकोनॉमी अंडरपिनिंग जो है वो अटलांटिक फिशरी इज नाउ वेरी अनसर्टन. लनेनबर्ग का जो नेम है ये 1753 में रखा गया था आफ्टर द ड्यूक ऑफ ब्रॉन्सविक लनेनबर्ग जो कि किंग बन गए थे जॉर्ज टू ऑफ ब्रिटेन. और अगर हम बात करें तो कैरियन इनहेबिटेंट्स जो यहाँ पे रहते थे उनको मिर्लीग्वेश बोला जाता था. मिर्लीग्वेश वॉज द नेम ऑफ द इनहेबिटेंट्स और ये एक फ्रेंच स्पेलिंग था ऑफ मिकमैक नेम. और हम बात करें तो इसका मीनिंग आज तक कुछ पता नहीं लगा पाया है, आज तक ही अनसर्टन है. अर्लियर मिकमैक नेम जो था उसका मतलब था क्लैम लैंड. नाउ जो मिकमैक्स तो जो इस टेरिटरी में रहते थे वो प्रेजेंट साइट ऑफ लनेनबर्ग से लेकर महान बे तक थे. अब की डेट में हम देखते हैं कि लनेनबर्ग इज डिफरेंट एंड महान बे इज डिफरेंट बट एट दैट टाइम इट वॉज अ कोएग्जिस्टिंग यूनिट. अब हम देखें तो 300 इनहैबिटेड थे वो इस साइट में उस टाइम पे. वार्म समर मंथ्स यहाँ पर ज्यादातर हुआ करते थे और हम देखते हैं कि जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट हैं वो अकेडियंस के नाम से जाने लगने लग गए जो कि यहाँ रहते थे और वो इस एरिया में सेटल हुए थे 1620s में यानी ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बैक टू 1735 व्हेन दिस सिटी वॉज फाउंड. जो अकेरियंस थे और मिकमैक थे ये कोएग्जिस्ट कर रहे थे पीसफुली एंड सम इंटरमैरिड और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड और किनशिप के भी बहुत अच्छे रिलेशंस इनमें बनने लग गए थे. लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को यूरोप में कैरी कर रहे थे इन द 1700s इन द न्यू वर्ल्ड. तो हम जानते हैं कि अंडर द 1713 लैंडमार्क ट्रीटी ऑफ उत्रेच फ्रांस ने सीड कर दिया था पार्ट ऑफ अकेरिया टुडे नोन एज पेनिनसुलर नोवा स्कोटिया टू ब्रिटेन. और हम देखते हैं कि टू गार्ड अगेंस्ट मिकमैक जो अकेरियन और फ्रेंच कॉलोनियल अटैकर्स थे उन्होंने सीट कर दिया और यहाँ पर एक फोर्ट इरेक्ट कर दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज और ये था एट सिटाडेल ऑफ हिल हैलिफैक्स और ये 1749 में बना था वहां पर. नाउ जब सेटलर जो है वो इस चीज से डिससैटिस्फाइड हो गए कि वो कितनी ज्यादा प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं टू द ब्रिटिशर्स और उसके बाद एक जनरल डिस्ट्रस्ट बनना शुरू हो गया एंड फ्रस्ट्रेशन आने लग गई फ्रॉम मिसट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिश. तो उन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन उनके अगेंस्ट शुरू कर दिया जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ और भी बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा था. तो उसे लनेनबर्ग रिबेलियन का नाम दिया गया और उन्होंने ब्रीफली डिक्लेयर कर दिया था अपने कंट्री को एज अ रिपब्लिक. और हम देखते हैं तो उसी के बाद उनकी जो ट्रूप्स थी वो हारना शुरू हो जाती हैं और जो कर्नल रॉबर्ट मॉकटन थे इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि उनकी ट्रूप्स हारना शुरू हो जाती हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के सोल्जर्स हैं वो भागना शुरू कर देते हैं टू द अकेरियन साइड. और हम देखते हैं कि 1754 में जो टाउन है ये एक सॉमिल और एक स्टोन शोरूम बन के रह जाता है. अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्यूपेशंस कौन सी हैं जो आज की डेट में फॉलो होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू 2016 सेंसस द मोस्ट कॉमन नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन वाज सेल्स एंड सर्विसेज विद 24% ऑफ जॉब्स. और हम देखें बाय द नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम अबाउट हाफ ऑफ ऑल जॉब्स वर इन हेल्थ केयर एज वेल एज इन सोशल असिस्टेंस.
अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, दीज वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. तो हम देखते हैं कि कैनेडा की जो लार्जेस्ट सेकेंडरी फिश प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इसी टाउन में लोकेटेड है. दैट्स वाई दिस इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर कैनेडा. अब इस टाउन के आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं. ये जो आर्किटेक्चर है वो काफी पिक्चरेस्क लोकेशन बना देता है इसे, और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अट्रैक्टिव है. बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिन्हें बोला तो गया है कि वो किसी और लोकेशन को डिपिक्ट करती हैं, पर यहाँ पर उनकी पार्शियल शूटिंग हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक कोई फिल्म है उसे न्यू इंग्लैंड में सेट किया गया, बट उसकी शूटिंग लंडनबर्ग में की गई. फॉर एग्जाम्पल द कोवेनेंट एंड द डॉलोरेस क्लिबोन, ये ऐसी मूवीज है जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है. Well, on that same note, this was all about Lunenburg. I'm sure you must have learnt a lot about this place. And if you guys want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, then don't forget to leave the name of the topic in the comment section and we will bring a dedicated video on that very soon. On that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to the channel. It's a wrap.